नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। शहरी निकायों में गरीबों के लिए आवास बोर्ड बनाएगा बहुमंजिले भवन। बिहार में अब रील बनाने वालों को मिलेगा इनाम। बिहार के अस्पतालों में बंद नहीं होगी ओपीडी सेवा। मुंगेर के लाल ने माउंट एवरेस्ट पर फहराया तिरंगा। आयरलैंड के खिलाफ वापसी पर कप्तान जसप्रीत बुमराह ने कही दिल की बात। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। शहरी निकायों में गरीबों के लिए आवास बोर्ड बनाएगा बहुमंजिले भवन। नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय 2 योजना के अंतर्गत शहरी निकायों में गरीबों के लिए बनाए जाने वाले बहुमंजिले भवन को लेकर नई मार्गदर्शिका तय की गई है। बता दें कि अब इन भवनों का निर्माण बिहार राज्य आवास बोर्ड के द्वारा खुद अपनी भूमि या जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि पर कराया जाएगा। जो चयनित लाभुकों को किराए पर उपलब्ध कराएगा। मालूम हो कि इन लाभुकों का चयन जिला स्तर पर डीएम की अध्यक्षता में गठित 5 सदस्यीय समिति के द्वारा किया जाएगा। इसके संबंध में विभाग के द्वारा सभी डीएम, नगर आयुक्त व कार्यपालक पदाधिकारियों को मार्गदर्शिका भेजते हुए इसके अनुरूप स्वीकृति को लेकर प्रस्ताव मांगा गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन भवनों के निर्माण को लेकर अगर सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं होती है तो जमीन खरीदकर बहुमंजिले भवन का निर्माण किया जाएगा। यह भवन लाभुकों को किराए पर उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसका भुगतान आवास बोर्ड के द्वारा किया जाएगा। बिहार में अब रील बनाने वालों को मिलेगा इनाम। आज के दौर में युवाओं के द्वारा काफी रील बनाया जाता है। इसी को देखते हुए बिहार सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके तहत रील बनाने वाले व्यक्ति को पैसे दिए जाएंगे। दरअसल बिहार के उप मुख्यमंत्री सह पर्यटन विभाग के मंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा अब यह निर्णय लिया गया है कि अब अगर राज्य में कोई भी युवक, युवती या नागरिक राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन केंद्रों पर जाकर रील बनाते हैं तो उन्हें राज्य सरकार की तरफ से इनाम दिया जाएगा। बता दें कि इसको लेकर तेजस्वी यादव के द्वारा एक प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत 14 सितंबर तक कोई भी इंसान बिहार के पर्यटन केंद्रों पर जाकर रील बनाएंगे और उनकी रील बेहतर बनी होगी तो राज्य सरकार की तरफ से उन्हें इनाम दिया जाएगा। इतना ही नहीं, इन स्थलों की बेहतर फोटोग्राफी करने वालों को भी राज्य सरकार की ओर से पुरस्कार दिया जाएगा। बिहार के इन 2 शहरों में जल्द चालू हो सकता है एयरपोर्ट। बहुत जल्दी बिहार वासियों को 2 और एयरपोर्ट मिलने वाला है। दरअसल बहुत जल्दी बिहार के मुजफ्फरपुर और रक्सौल में एयरपोर्ट शुरू हो सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से इन दोनों एयरपोर्ट को प्राथमिकता के तौर पर चालू करने पर विचार किया जा रहा है। मालूम हो कि कुछ दिनों पहले ही केंद्र सरकार के निर्देश पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक टीम और निजी कंपनियों के प्रतिनिधि इन दोनों एयरपोर्ट का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इन निजी कंपनियों को एयरपोर्ट डेवलप करने का काम सौंपा जा सकता है। ऐसे में अब जिन कंपनी की द्वारा एयरपोर्ट डेवलप करने में दिलचस्पी दिखाई गई है, उनका केंद्र सरकार के साथ अग्रीमेंट होगा और फिर निजी कंपनियों के द्वारा एयरपोर्ट डेवलप का काम शुरू कर दिया जाएगा। मलमास मेला में 3.12 करोड़ श्रद्धालु एवं पर्यटक पहुंचे राजगीर। राजकीय राजगीर मलमास मेला की समाप्ति 16 अगस्त को हो चुकी है। हालांकि अब भी श्रावणी मेला को लेकर राजगीर के गढ़ महादेव सैनिक स्कूल एवं ब्रह्मकुंड के पास यात्री शेड, अस्थायी शौचालय और मेडिकल की सुविधा पूर्ववत जारी रहेगी। बता दें कि जिला प्रशासन की ओर से संपूर्ण मेला अवधि का आंकड़ा जारी किया गया है, जिसमें 1 महीने तक में कितने श्रद्धालु एवं पर्यटक राजगीर पहुंचे हैं उसकी जानकारी दी गई है। मालूम हो कि जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 1,92,00,000 श्रद्धालुओं के द्वारा विभिन्न कुंडों में स्नान किया गया। मेला में पधारने वाले श्रद्धालुओं पर्यटकों की संख्या 3,12,00,000 के करीब है। वहीं खोया पाया के माध्यम से मेले में बिछड़ने वाले 16,159 लोगों को, जिनमें 816 बच्चे भी शामिल हैं, उनको उनके परिजनों से मिलाया गया है। बिहार के अस्पतालों में बंद नहीं होगी ओपीडी सेवा। बिहार के सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवा शुक्रवार और शनिवार को बंद रहने वाली थी, जो अब नहीं रहेगी, क्योंकि डॉक्टरों के द्वारा पूर्व में घोषित हड़ताल को टाल दिया गया है। बता दें कि यह फैसला स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव और कार्यपालक निर्देशक के द्वारा बिहार चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ के साथ किए गए बात के बाद लिया गया है। मालूम हो कि इस वार्ता में दोनों अधिकारियों के द्वारा कई मुद्दों पर सहमति जताई गई है। इसके बाद सहमति के बिंदुओं के क्रियान्वयन के लिए संघ के द्वारा सरकार को 21 दिनों का समय दिया गया है। बता दें कि जिन प्रमुख मांगों पर सहमति बनाई गई है उनमें मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत 7 वर्षों से अधिक की सजा के लिए कानून बनाए, व्यापार प्रशिक्षण के दौरान 12 चिकित्सकों पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं करने, सेवारत चिकित्सकों को पीजी डीएनबी में 30 सीट आरक्षित करने और पति पत्नी के ऐच्छिक पदस्थापन शामिल हैं। बिहार के अररिया में सुबह सुबह पत्रकार की गोली मारकर हुई हत्या। आज सुबह सुबह अररिया जिले के रानीगंज में बेखौफ अपराधियों के द्वारा एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बता दें कि यह पत्रकार दैनिक अखबार में रिपोर्टर के तौर पर काम करता था, जिसका नाम विमल कुमार यादव था। मालूम हो कि आज सुबह सुबह अपराधियों के द्वारा पत्रकार के घर का दरवाजा खटखटाया गया और आवाज देकर बाहर बुलाया गया, जिसके बाद जैसे ही पत्रकार ने घर का दरवाजा खोला और बाहर निकला, बदमाशों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे 2 साल पहले इनके सरपंच भाई की भी इसी तरह अपराधियों के द्वारा हत्या कर दी गई थी,
जिसके विमल मुख्य गवाह थे। ऐसे में यह आशंका जताई जा रही है कि मुख्य गवाह होने के कारण ही बदमाशों के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई है। हत्या के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए अररिया सदर अस्पताल लाया गया। शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर बढ़ा होटलों का किराया। 24 अगस्त से शिक्षक भर्ती परीक्षा की शुरुआत होने वाली है, जो कि 26 अगस्त तक चलेगी। बता दें कि इस परीक्षा में भाग लेने के लिए लाखों उम्मीदवारों के द्वारा आवेदन किया गया है। ऐसे में इस एग्जाम को लेकर राज्य के कई शहरों के होटलों की ऑनलाइन बुकिंग फुल हो गई है, जिससे कि भीड़ को देखते हुए खाली होटल और लॉज के रेंट को भी बढ़ा दिया गया है। मालूम हो कि अधिकांश होटलों की ऑनलाइन रेट 3400 रुपए से अधिक है और इस पैसे में भी केवल 2 लोगों के लिए और इसके साथ ही GST भी अलग से देना होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार की राजधानी पटना, गया, बिहार शरीफ के होटलों का 400 रुपए तक रेट में बढ़ोतरी हो चुका है। पटना जंक्शन के पास स्थित अधिकांश होटलों में वर्तमान में 1500 से 2200 रुपए तक में रूम मिल रहे, वहीं 24 से 26 अगस्त में 2700 रुपए से अधिक में कमरा मिलेंगे। मुंगेर के लाल ने माउंट एवरेस्ट पर फहराया तिरंगा। बिहार के मुंगेर के लाल बलवीर सिंह के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कुछ ऐसा कमाल कर दिखाया गया है, जिससे सभी उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे। दरअसल उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के दिन माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने का काम किया है। बता दें कि इस दौरान बलवीर सिंह के द्वारा अपनी यात्रा में कुल 23 पर्वतों को पार कर 270 किलोमीटर ट्रैक और 18,600 फीट पर अवस्थित माउंट एवरेस्ट बेस कैंप, 18,192 पर अवस्थित कला पत्थर ट्रैक व नेपाल की गोक्यो पिक, जिसकी 17,929 फीट है, को फतह कर लिया है। मालूम हो कि बलवीर सिंह ने सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचकर तिरंगा फहराया है। यहां पहुंचने में उन्हें कुल 9 दिनों का समय लगा। हेडमास्टर के बोरा बेचने के फरमान पर शिक्षक संघ का विरोध। बीते दिनों बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा ऐसा निर्देश दिया गया था कि बिहार के सरकारी स्कूलों के हेडमास्टर के द्वारा मिड डे मील भोजन के लिए आपूर्ति किए गए खाद्यान्न को खाली कर बोर्डों को न्यूनतम 20 रुपए में बेचकर उस राशि को जिलों में संचालित राज्य योजना मध्य के तहत खोले गए बैंक खाते में जमा करेंगे और फिर हेडमास्टर इस बात की जानकारी शिक्षा निदेशालय को देंगे कि उन्होंने कितने बोरे बेचे हैं और उन्हें कितनी राशि प्राप्त की। बता दें कि इन तमाम बातों को लेकर शिक्षक संघ के बीच नाराजगी बनी हुई है। शिक्षक संघ का कहना है कि सरकार उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रही। उन्होंने कहा कि पहले 10 रुपए बोरा बेचने को निर्धारित किया गया था, जिसे अब बढ़ाकर 20 रुपए कर दिया गया है। ऐसे में इन बोरों को कोई खरीदना नहीं चाहेगा। मुझे जाने दो म्यूजिक एल्बम का पटना में दिघा घाट में हुआ लॉन्चिंग। बीते दिन गुरुवार को बिहार की राजधानी पटना के दिघा घाट के पास द मरीन कोर्टयार्ड में एक वीडियो एल्बम सॉन्ग की भव्य लॉन्चिंग की गई। बता दें कि सॉन्ग को नाम मुझे जाने ना दो है, जिसके लेखक विकास चौहान, प्रोड्यूसर रोहित रंजन और सेलिब्रेनिया स्टूडियो की सह संस्थापक नंदिनी रॉय है। मालूम हो कि यह गाना देश को समर्पित गाना है, जिसमें एक बच्चे और एक माँ की कहानी है। इस गाने को लेकर डायरेक्टर विकास चौहान के द्वारा बताया गया है कि इस वीडियो को बनाने में करीब 3 साल लगे हैं और वास्तविक सीन के लिए हमारी टीम को भारतीय सेना का भी भरपूर सहयोग मिला है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 में पेशावर में बम ब्लास्ट हुआ था, जिसमें कुछ भारतीय बच्चे भी घायल हो गए थे, जिसे इंडियन आर्मी ने जाकर रेस्क्यू किया था और उनकी जान बचाई थी। हिमाचल प्रदेश के सीएम पर प्रशांत किशोर ने बोला हमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का एक बयान खूब वायरल हो रहा है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि उन्होंने हिमाचल में हो रहे भूसंकलन के लिए बिहारी आर्किटेक्ट्स को जिम्मेदार ठहराया है। इसी क्रम में जनसुराज पदयात्रा के माध्यम से बिहार के लोगों को उनके हक के लिए लगातार जागरूक कर रहे प्रशांत किशोर ने कहा कि अभी भी समय है, जाग जाइए, नहीं तो बिहारी कहकर दूसरे राज्यों के लोग जब गाली देते हैं तो सुनने के लिए तैयार रहिए। वो दिन दूर नहीं कि अगर बिहार की दशा नहीं सुधरी तो 5 बरस उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी हमें मारा जाएगा और कहेंगे कि बिहारियों को भगाओ। इसलिए बिहार में सबसे जरूरी है कि पलायन को रोका जाए, क्योंकि जहां जाइए पूरे देश में जिसको भी 100 मजदूरों की जरूरत होती है उसको कहा जाता है कि जाओ बिहार से मजदूर पकड़ कर ले आओ। लालू यादव और नीतीश कुमार ने 32 सालों में बिहार को मजदूर बनाने की फैक्ट्री बना दी है, हम लोगों का आत्मसम्मान ही मर गया है। उन्होंने कहा कि बच्चा पैदा कीजिए और उसको फिर पेट काट कर बड़ा कीजिए और ट्रेन में बस में जानवरों की तरह ठूंस कर भेज दीजिए मजदूरी करने के लिए। पेट काट कर मजदूरी करेगा और इसी के जीवन जाएंगे। चारा घोटाला मामले में सीबीआई ने एससी से की जमानत रद्द करने की मांग। चारा घोटाला मामले को लेकर सीबीआई की तरफ से लालू राबड़ी समेत सभी आरोपियों की जमानत याचिका रद्द करने की लेकर सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई की मांग की गई है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस मामले पर सुनवाई करने की तारीख 25 अगस्त की निर्धारित की गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस मामले को लेकर दुमका, डोरंडा, चाईबासा और मामले में जमानत को रद्द करने की मांग की गई है। बीते 27 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सीबीआई की एक और याचिका पर लालू यादव को नोटिस जारी किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की याचिका को मूल याचिकाओं के साथ जोड़ दिया था। बता दें कि अब सभी मामलों की सुनवाई एक साथ एक ही पीठ के समक्ष होगी। ई मंडी ऐप के निर्माण को लेकर मंत्री तेज प्रताप यादव ने की बैठक।
बिहार को पर्यटन हब बनाया जा सके इसके लिए बिहार सरकार की ओर से लगातार कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में बीते दिन वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री तेज प्रताप यादव के द्वारा विभाग के वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक किया गया, जहां उन्होंने सभी को निर्देश देते हुए कहा कि राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक वेबसाइट का निर्माण किया जाए और लोगों को जागरूक किया जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए सबसे पहले निगम के द्वारा कार्य योजना तैयार की जाए और फिर उसमें किए जाने वाले कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाए। वहीं सबके साथ साथ ई मंडी ऐप का निर्माण कर उसे व्यापक प्रचार प्रसार के साथ उपयोग करने हेतु आमजनों किसानों आदि को प्रोत्साहित करे। इसके साथ उन्होंने निगम को अगले एक साल में 100 करोड़ का व्यापार करने का भी लक्ष्य दिया है। CBSE 10वीं और 12वीं के लिए उम्मीदवारों की सूची जमा करने की प्रक्रिया शुरू। CBSE के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार आज यानी कि 18 अगस्त से सत्र 2023-24 के लिए बोर्ड की परीक्षाओं के आयोजन की तैयारी के लिए 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए उम्मीदवारों की सूची जमा करने की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। बता दें कि इसके लिए बोर्ड की ओर से सभी स्कूलों को सलाह दे दी गई है कि वे रजिस्ट्रेशन और उम्मीदवारों की सूची से संबंधित सभी एक्टिविटी को पूरा कर लिया जाए। मालूम हो कि एक सेक्शन में 40 छात्रों को ही अनुमति मिलेगी, वहीं इन सेक्शन में शिक्षकों का 1:15 होगा। शेड्यूल के भीतर LOC जमा करना और छात्रों का सही डेटा जमा करना बेहद महत्वपूर्ण है, ताकि छात्रों को भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसलिए बोर्ड की ओर से स्कूलों से अनुरोध किया गया है कि छात्रों का डेटा समय पर जमा किया जाए और स्कूल यह सुनिश्चित करे कि भरा गया डेटा सही हो। आयरलैंड के खिलाफ वापसी पर कप्तान जसप्रीत बुमराह ने कही दिल की बात। आज यानी कि 18 अगस्त को शाम 7:30 बजे से भारत और आयरलैंड के बीच पहला T20 मैच खेला जाने वाला है। ऐसे में मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय टीम के कप्तान जसप्रीत बुमराह के द्वारा अपनी वापसी को लेकर अपनी दिल की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि हमें पता है कि वनडे विश्व कप तक अब कोई टेस्ट क्रिकेट नहीं है। रिहैबिलिटेशन के दौरान में भी मैं T20 मैच की तैयारी नहीं कर रहा था। मैं हमेशा से विश्व कप की तैयारी कर रहा था। मैं 10, 12 और यहां तक कि 15 ओवर गेंदबाजी कर रहा था। मैंने अधिक ओवर गेंदबाजी की। इस तरह से जब कम ओवर गेंदबाजी की जरूरत होगी तो आसानी होगी। मैं सिर्फ खेल का लुत्फ उठाना चाहता हूं, क्योंकि मैं लंबे ब्रेक के बाद वापसी कर रहा हूं। कभी इतने लंबे समय तक खेल से दूर नहीं रहा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है गुनर शर्मा, भान प्रकाश मौर्य, सचिन कुमार, उमेश श्रीसदेव, मोहम्मद फहीम, सदुल्लाह पलवी, रंजीत मिश्रा, वेद प्रकाश सिंह, नुन्नू गोलू कुमार, रवि कुमार राम, अनवर करीम खान, कन्हैया कुमार, मोहम्मद सकीर हुसैन, सुरुचि कुमारी, जगदीश प्रसाद। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, भारत और आयरलैंड के बीच होने वाले 3 मैचों की T20 सीरीज के पहले मैच में इस टीम के जीतने की प्रबल संभावना है। अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।